आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि बोर्ड ने तो अपना काम कर दिया, टाइम टेबल रिलीज कर दिया, आपको पता भी चल गया कि 27 कराएंगे, बहुत सारे असाइनमेंट देंगे, ठीक है, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तो इसके लिए मेरा कहना है कि अभी से आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करो और 5 महीने को एकदम सीरियस ले लो, अगर सीरियस रहोगे तो भी मार्क्स आपके अच्छे आने वाले हैं, तो हमारे अपने नोट कर लेने मेरे कहने का आएगा कि हाउ मैं कैसे अपने आपको रेडी करूँ, वर्ड मैं कितना पढ़ूँ और व्हेन मैं कब पढ़ूँ और हाउ मच मैं कितना पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, क्यों पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ओके समझ आ रहा है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज लेना है आपको, टेक्निक फॉलो करनी है टॉपर्स की, ठीक है, आपको टॉपर्स की टेक्निक फॉलो करनी है, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और अपने परसेंटेज अच्छे लाते हैं, तो टेक्निक आपको नहीं बताया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप फिजिक्स को कैसे पढ़ोगे क्लास 12th के लिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फिजिक्स का एग्जाम, क्लास 12th का फिजिक्स का एग्जाम 2024 का डेट आ चुका है, आपका एग्जाम होगा 27 फरवरी को। ओके 27 फरवरी को आपका एग्जाम है फिजिक्स का। तो अब हमारे पास फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बाकी हैं। क्या बोला, 4 महीने तो आपने कर दिए वेस्ट। ओके 4 महीने आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, कुछ पढ़ा भी है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। देखो आपने 4 महीने वेस्ट कर दिए, अब आपके पास बचा है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं किसके लिए, बोर्ड एग्जाम्स आने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि गेट रेडी फॉर द बोर्ड्स, बोर्ड एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर लो, आप रेडी हो जाओ। आप कैसे रेडी हो पाओगे, फिर किस तरह रेडी करना है अपने आपको, आपको रेडी करने के लिए जब आप शुरू करोगे तो आपके दिल में सवाल आएगा, आपके मन में सवाल आएगा कि हाउ मैं कैसे अपने आपको रेडी करूं, व्हाट मैं कितना पढ़ूं और व्हेन मैं कब पढ़ूं और हाउ मच मैं कितना पढ़ूं, कब पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। ओके समझ में आ रहा है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ओके फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो हाउ कैसे करना है, तो मैं कहूंगा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको टेक्निक फॉलो करनी है टॉपर्स की, ठीक है, आपको टॉपर्स की टेक्निक फॉलो करनी है, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और अपने परसेंटेज अच्छे लाते हैं, वही टेक्निक आपको भी मैं बताऊंगा। ओके उसके बाद देखो, अगर आप टेक्निक की बात करते हो तो आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। ओके क्या नॉलेज होनी चाहिए, देखो आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स में है आपको टोटल 16 चैप्टर्स, इन 16 चैप्टर्स में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए। उसके बाद आपको लगने चाहिए कि इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं, है ना, अगर आपको पता रहेगा कौन से चैप्टर्स इजी हैं आप उस पर मेहनत कर पाओगे, आपको पता रहेगा कौन से चैप्टर्स स्कोरिंग है आप उस पर मेहनत करोगे, अगर इस तरह मेहनत करोगे तो आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। ओके समझ में आ रहा है। तो इजी चैप्टर्स और स्कोरिंग चैप्टर्स को आपके ऊपर बहुत ध्यान देना है, ठीक है, आपको उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर हमें बात करूंगा, वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर का वेटेज फाइंड रखो। ओके इजी चैप्टर कौन कौन से, स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से, ये पता रखो, अगर ये आपको पता है तो आप स्कोर कर लोगे फिजिक्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स। ओके उसके बाद देखो 16 चैप्टर्स में आपको वेटेज और इजी चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट टाइम टू स्टडी, साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान का दिमाग कब ज्यादा एक्टिव रहता है, जब आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो तब आप पढ़ाई करो, ठीक है, एकदम साइंटिफिकली प्रूवन टाइम क्या है, बेस्ट टाइम टू स्टडी साइंटिफिक हिसाब से, साइंटिफिक टाइम क्या है, देखो साइंटिफिक टाइम है आपको स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक टाइम क्या है, बिटवीन 10 AM to 2 PM, ठीक है, 10 बजे, सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का टाइम साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपका बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए, इसमें आपका दिमाग ज्यादा वर्क करता है। लोग कहते हैं कि नहीं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, सुबह 4 बजे आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो टाइम आपको नींद आती है आपका। लोग बोलते हैं कि सुबह 4 से 5 या 4 से 6 बजे तक का दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन नहीं, दिमाग एक्टिव नहीं रहता है, दिमाग में नींद भरी रहती है। ओके तो सुबह पढ़ने की आदत मत डालो, आपको साइंटिफिकली टाइम बता रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन टाइम क्या है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक, ये टाइम आप स्टडी करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपको जल्दी याद होगा, आप अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ओके देखो अब इनमें से इतना टाइम तो है कि आपका दिमाग अच्छे से चलने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको कितना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, आपको डेली अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो डेली 1 से 2 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। ओके अब इतने टाइम में से आप अपना टाइम खुद चूज करो, चूज योर ओन टाइम, जितना टाइम आप पढ़ सकते हो, ठीक है, 2 घंटे तो पढ़ना है, 1 से 2 घंटे पढ़ना है, अब वो 1 से 2 घंटे आपके कौन सा टाइम रहेगा या आप इसमें से चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि व्हाट टू स्टडी एंड कौन से नोट्स हमें प्रेफर करने चाहिए हमारी प्रिपरेशन के लिए। ओके देखो 27 से तो हमारा पेपर स्टार्ट होगा, अब 27 से स्टार्ट होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन तो अभी से करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई अभी से करनी है, तो अभी से क्या पढ़े, कौन से नोट्स याद करें, कौन से नोट्स बनाए, वो देखो, देखो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना है वो देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट का, सॉरी हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स में क्या, आप डेफिनेशंस याद कर लो, आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ के लो और हर एक डायग्राम को यूज करो, आपको एक
टॉपिक समझने में, ओके अगर एक टॉपिक आप समझना चाहते हो, अगर उसके डायग्राम्स हैं तो डायग्राम्स का यूज करो और उस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, और हर एक डायग्राम को आपको याद भी करना है क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी पूछा जाता है, ओके डायग्राम्स का यूज करो आपको टॉपिक समझने के लिए, और डायग्राम्स भी आपको ऑटोमेटिक फिर समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। फिजिक्स क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप सब कुछ आराम से सीख सकते हो और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस को आपको क्या करना है, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करते रहो, एक सेपरेट बुक बना लो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ आप सिर्फ जिसमें डेरिवेशन सॉल्व करोगे, ठीक है? सेपरेट नोटबुक्स ओनली फॉर डेरिवेशंस, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको, प्रीवियसली आज जितने भी डेरिवेशन है ना, पिछले साल के, उससे पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है जो डेरिवेशन पे बेस्ड है, उन सारे क्वेश्चन को आप इस नोटबुक में लिखोगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, और जब भी आपका एग्जाम रहेगा आप एक बार उस नोटबुक को गो थ्रू कर लोगे, ओके। आप डेरिवेशंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे आप डेरिवेशन में, ओके। तो ये प्रैक्टिस, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्ट, ओके समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ही समझ में आने चाहिए, यही सब आपको पढ़ना है पूरे फिजिक्स में। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया किस तरीके से पढ़ना है, डेरिवेशंस किस तरीके से पढ़ना है, और अब आती है बारी न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स को भी आपको बार 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 प्रैक्टिस करते रहना है। न्यूमेरिकल्स कब समझ में आएंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? डेफिनेशंस हो गया, हर एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक में कौन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स की आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको फॉर्मूले दिए रहते हैं, तो वो फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ठीक है? और जो भी फॉर्मूला है उसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो सिर्फ फॉर्मूले के लिए। एक 100 पेज की बुक ले लो जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूले लिखोगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। आप फॉर्मूला लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोला था मैंने, सिर्फ 1 से 2 घंटा आप डेली पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, ये सब चीज पढ़नी है। कॉन्सेप्ट समझो, हर एक चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज में है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से डेफिनेशंस हैं और कौन कौन से डायग्राम्स हैं, ये समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेशंस रहेगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, पिछले साल की जो भी डेरिवेशंस है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पूछता, आपको सवाल घुमा कर दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आप अगर पिछले साल की क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, ओके समझ में आ रहा है? इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, ठीक है? एक सेपरेट फॉर्मूला भी मेंटेन करो और फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद आते हैं नोट्स टू प्रीफर, कौन कौन से नोट्स हमें प्रीफर करने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है। कितना टाइम है, 5 महीने है। 5 महीने में आप ये मत सोचो कि यार बहुत टाइम है तो बाद में पढ़ेंगे, नहीं, आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि बोर्ड ने तो अपना काम कर दिया, टाइम टेबल रिलीज कर दिया, आपको पता भी चल गया कि 27 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। लेकिन आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से, 21 तारीख से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है? यानी कि आपको फैब में कुछ टाइम नहीं मिलने वाला है, जो भी टाइम रहेगा वो प्रैक्टिकल्स में चले जाएंगे। आपको सिर्फ 5 महीने का टाइम है और इस 5 महीने में आपके कॉलेज वाले बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लेंगे, बहुत सारे असाइनमेंट्स देंगे, ठीक है? तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा कहना है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और इस 5 महीने को एकदम सीरियस ले लो। अगर सीरियस रहोगे तो ही मार्क्स आपके अच्छे आने वाले हैं फिजिक्स में। तो अब आ जाते हैं, देखो नोट्स क्या क्या लेने हैं। मेरा कहना है कि आप मेक योर ओन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाओ। इतना टाइम है आपके पास, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ और उसे बना लोगे तो आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या करना है नोट्स बनाने के टाइम, आपको सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड करो और उसका नोट्स बनाओ। कैसे करोगे, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसके नोट्स बनाओ। उसको नोट्स कैसे बनेगा, राइट इट इन, कैसे राइट इट इन शॉर्टेस्ट फॉर्म। आप हर एक टॉपिक को जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको एकदम छोटे से फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। हर एक लाइन को अपने नोट्स में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, देखो उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट चीज को आपको लिखना है, ठीक है? यही बोला है कि राइट इट इन शॉर्टेस्ट फॉर्म, आपको उस टॉपिक को एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। और आपको नोट्स जब बना रहे हो तो आपको नोट्स में टेबल्स यूज करना है, डायग्राम्स यूज करना है। इस तरीके से नोट्स बनाने का ये फायदा रहता है कि आपको वो सब चीजें देखने में अच्छी लगती है तो आपका माइंड उसको जल्दी से कैप्चर कर लेता है, आपसे जल्दी से समझ लेता है, जल्दी आपको याद होता है, ओके। यूज टेबल्स एंड डायग्राम, नोट बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल्स और डायग्राम्स यूज करना। और उसके बाद
देखो नोट्स में आपको हमेशा मेन मेन जो वर्ड्स रहते हैं, जो मेन मेन कंसेप्चुअल वर्ड रहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट्स। ठीक है, आप वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे वर्ड्स को यूज करो अपने बुक में, अपने नोट्स में। ठीक है, नोट्स में वो सारे वर्ड्स को यूज करोगे तो आपको वो सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तुरंत। तो आपका एग्जामिनर को भी अगर वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स, वो ट्रिगरिंग वर्ड्स, वो सारे कंसेप्चुअल जो भी वर्ड्स रहते हैं वो मिल गए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए कहना है कि ट्रिगरिंग पॉइंट्स को यूज करो अपने नोट्स में। ओके, अपना खुद का नोट्स बनाओ जिसमें ये सारी चीजें रहनी चाहिए, और उसके बाद एक फॉर्मूला शीट बना लो जो आप जहां भी रहते हो, अपने रूम में, अपने क्लास में, ठीक है, जहां भी रहते हो कि आपकी नजर वहां रोज पड़े, वहां पर उस फॉर्मूला शीट को चिपकाओ और उसे रोज देखो, रोज याद करो। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये थे आपको नोट्स कौन से प्रेफर करने चाहिए, वो नोट्स खुद के प्रेफर करो। आप जल्दी से खुद से नोट्स बनाओ, नोट्स बना लोगे तो याद करने में इजी रहेगा। ओके, बस इतना ही कहना है। देखो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप अपना प्लान खुद बना रहे हो, अपना परसेंटेज खुद प्लान कर रहे हो, है ना? क्या लिखा है? प्लान योर ओन परसेंटेज। अपना परसेंटेज खुद प्लान करो और उसके लिए मेहनत करो, मेहनत लगा दो अपना वो परसेंटेज हासिल करने में। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं करते हैं खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो लेकर, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, एक नया थ्योरी लेकर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। Oh, 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 oh,